नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। IAS PT 2020 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो आज सवाल है वह है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई, याद रखिएगा रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। इसी को इंग्लिश में बोला गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के, मतलब इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड किस पर केंद्रित था। इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और बाद में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है हिंदी में महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, इंग्लिश में है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। दूसरा है सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट। एंड तीसरा है दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापना, या इसी को हिंदी में बहाली भी बोलते हैं, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये तीन स्टेटमेंट्स है। अब बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, कौन सा कोड सही है ये बतानी है। ए नंबर कहता है 1 and 2 ओनली सही है, बी कहता है 2 and 3 ओनली सही है, एंड द सी कहता है 1 and 3 ओनली, एंड द डी कहता है 1, 2, 3 सब, 1, 2, 3 डी मतलब सब सही है। अब देखना है क्या है, कैसे है, सब समझते हैं। देखिए एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, पिक्चर क्या है, ये हैं जज साहब और ये एक महिला है, ये वकील साहब हैं और यहाँ पे बहस चल रही है। अंत में जज साहब कुछ बोलते हैं और ये महिला बोलती है कि जज साहब चाहे आप मुझे जेल में बंद कर दो लेकिन मैं अपने पति के घर ना जाऊंगी। जज साहब बोलते हैं सोच लो, मैं फिर आपको कहता हूं कि आप या तो पति के घर जाओ नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। फिर महिला बोलती है जज साहब मैं जेल में रहना पसंद करूंगी पर अपने पति के घर जाना पसंद नहीं करूंगी। ये कब की बात है, तो ये बात है 1884 का, और ये महिला कौन है जानते हैं, यही महिला है जो रखमाबाई है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं, क्या क्या है कहानी, क्या स्टोरी है। ये जो डॉक्टर रखमाबाई है इनका जो जन्म है 1864 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है, स्वर्गवास है, 1955 में हुआ। ये बात क्लियर हो गया। ये इंडियन फिजिशियन एंड फेमिनिस्ट हैं। फिजिशियन का मतलब क्या, ये डॉक्टर है, डॉक्टर रखमाबाई, बाद में ये डॉक्टर बन गई थी। इसके बारे में ये है कि फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया के समय में पहली भारतीय महिला जिन्होंने कि डॉक्टर का प्रैक्टिसिंग करना शुरू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात आपको क्लियर हो गया। ये है डॉक्टर रखमाबाई, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, देख लीजिए, पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को याद करना बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रखमाबाई के इतिहास के बारे में। इनका जो शादी हुई थी वह 11 साल के जब ये थी तभी इनका मैरिड हो गया था, शादी हो गई थी। किसके साथ, दादाजी भीखा जी के साथ, और इनकी उम्र तब 19 साल थी। याद रखिएगा ये खुद 11 साल की थी और इनके हस्बैंड उस समय में 19 साल के थे। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद ये अपने पेरेंट्स के घर पे ही रुकी रही और खुद को एजुकेट की। याद रखिएगा खुद को एजुकेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एजुकेट हर सेल्फ और एजुकेट ओन सेल्फ इज वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये किसके अंडर में, किसके गाइडेंस में एजुकेट अपने आप को की, तो स्टेप फादर जो है उनके गाइडेंस में। स्टेप फादर का मतलब इनके जो अपने पिताजी थे उनके स्वर्गवास होने के बाद इनकी माताजी ने जो दूसरी शादी की उस पिता ने इनको गाइडेंस किया, इनको एजुकेट करने में, खुद को एजुकेट करने में इनको मदद किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात आती है 1884 का, शादी के 12 साल बाद भीखा जी जो इनके हस्बैंड हैं, दादाजी भीखा जी जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और उन्होंने चाहा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब दाम्पत्य अधिकारों की बहाली। मतलब क्या हो गया, कोर्ट ये आदेश दे
कि ये दोनों एक साथ रहे पति पत्नी के रूप में, कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य जो जीवन होता है, उस जो उस दाम्पत्य जीवन का जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, उसको फुलफिल करते हुए ये दाम्पत्य जीवन शुरू करें। इसकी बहाली हेतु इस दादाजी वीका जी ने कोर्ट में पिटीशन डाला। इसका मतलब क्या हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। और ये आपके क्वेश्चंस का एक स्टेटमेंट ये भी है। लेकिन ये जो डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर नहीं बनी थी रखमाबाई, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ये मना कर दी कि ये नहीं जाएगी अपने पति के घर, ये अपने एजुकेशन को पूरा करना चाहती थी, ये आगे बढ़ना चाहती थी। और इनके पक्ष में एक डिफेंस कमिटी बना, जिनका नाम ही रखा गया रखमाबाई डिफेंस कमिटी। इसमें कौन कौन मेंबर थे, तो बहराम जी मालावारी और पंडिता रमाबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दो, बहराम जी मालावारी और पंडिता रमाबाई। ये बहुत बड़े उस समय के सोशल रिफॉर्मर थे, इनके डिफेंस में आए, इस कमिटी के मेंबर बने। क्लियर। ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इनका जब ड्राफ्टिंग चल रहा था, इस पूरे ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में इस केस ने एक इंस्ट्रूमेंटल का काम किया, एक विजन प्रदान करने का काम किया, एक लेंस प्रदान करने का काम किया। मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है, यह इनसे एक तरह से बहुत कुछ इंसाइट लिया। और बाद में इसी एक्ट के द्वारा जो एज ऑफ कंसेंट है, इसको बदल करके, जो उस समय में 10 साल था, उसको बढ़ा करके 12 साल कर दिया गया, अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया में एज ऑफ कंसेंट को बढ़ा करके 10 से 12 कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपके क्वेश्चन में जो दो स्टेटमेंट थे, एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और दूसरा एज ऑफ कंसेंट, इन दोनों स्टेटमेंट यहां पे आपको मिल गया। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर टू एंड थ्री ये दोनों सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था, एज ऑफ कंसेंट एंड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, इससे रिलेटेड नहीं था, केंद्रित था। याद रखिएगा केंद्रित वर्ड को ध्यान रखिएगा। और रिवॉल्व का मतलब हो गया, मतलब कैसे डायरेक्टली लिंक है, ये कैसे डायरेक्टली अप्लाइड होता है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। इनडायरेक्टली ये सब कुछ नहीं सोचना है, केंद्रित था, ये वर्ड साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये नहीं था। ये दो ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये दो स्टेटमेंट किस में है, तो बी ऑप्शन में है, टू एंड थ्री ओनली। इसका मतलब आंसर क्या है, बी है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये सारे चीज़ बताया, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसीलिए मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।